हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से आया। और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट से लेकर रिक्रूटमेंट का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है इन द डिपार्टमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में सिचुएटेड है, जस्ट बिहाइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे जो है साइंटिस्ट की वैकेंसीज को मांगा गया है। तो देखिए, पोजीशन यहाँ मेंशन करेगी साइंटिस्ट जी, साइंटिस्ट एफ, साइंटिस्ट बी। साथ ही साथ यहाँ पे पे लेवल मेंशन कर रखा है, लेवल 14 एज पे 7 सीपीसी और नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और साथ ही साथ जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप जो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी पोजिशन क्या है, आपके पे लेवल, नंबर ऑफ पोस्ट और एज लिमिट। इसके अलावा देखिए, पोजिशन सी की जी जो कि वन पोस्ट है, उसके लिए पे लेवल 14 पर 7 सीपीसी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है आपका डीपी डेपुटेशन या एब्जॉर्प्शन फाइलिंग विद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो भी लाइक काम करना है, कि आपको क्या क्या काम करना है या आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पे जो है पीएचडी वेटरनरी साइंस, एनिमल साइंस, मॉडर्न बायोलॉजी, लाइफ साइंस या इक्विवेलेंट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 10 ईयर्स का पोस्ट पीएचडी आरएनडी एक्सपीरियंस होना जो है वो कंपलसरी है। तो अगर आप पर ये लाइक पोजिशन है तो आप इस साइंटिस्ट जी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन यहाँ पे कर रखा है कि आपको काम क्या करना है। जैसे इसमें मेंशन कर रखा है आपको काम करना पड़ेगा जेनेटिक एंड हेल्थ इंप्रूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक यूजिंग मॉडर्न टूल्स और बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ देख रखती है कि आपको जो है सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो इस ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट एफ की वैकेंसी को निकाला गया है, यहाँ पर भी जो सेम रिक्रूटमेंट है, इससे क्वालिफिकेशन भी सेम है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप पढ़ के ही जो है आप देखें कि आप जो है किस साइंटिस्ट पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ऐसे साइंटिस्ट बी के लिए भी यहाँ पे है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, चाहे MBSC होना चाहिए, MSc या MTech इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का जो मिनिमम रिलेवेंट R&D एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजायर्ड एरिया में। तो ये भी आप देख सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको जो अगर सिलेक्शन आपका होता है तो आपको जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट है नियाम में, जैसे वो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पे हो, रिप्रोडक्शन पे, डेवलपमेंट बायोलॉजी पे हो, तो इन सब पे जो है आपको यहाँ पे जो है अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बोला गया अगर कोई वुमेन साइंटिस्ट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो यहाँ पे इनक्रेज किया जा रहा है कि वो जरूर इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे दे रखी, क्लियरली मेंशन कर रखे हैं, तो आप जो है इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अब बात करें रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप जो है NIAB की ऑफिशियल वेबसाइट www.niab.org.in पे जाके जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो अगर आप जो साइंटिस्ट बी एंड एफ के लिए पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज़। वहीं अगर साइंटिस्ट जी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़। OBC कैंडिडेट अगर हमें आप हैं तो 300 रुपीज़। और अगर आप साइंटिस्ट जी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500। अगर आप अब्रॉड से अप्लाई कर रहे हैं तो साइंटिस्ट बी एंड एफ के लिए US$3, $30, और साइंटिस्ट जी के लिए भी $30। वहीं SC ST वुमेन या PWD कैंडिडेट्स अगर हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट नहीं करनी है। आप बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो 2 जनवरी 2021 है, और जो लास्ट डेट है वो है 5 फरवरी 2021 टिल 5 PM, और जो लास्ट डेट है हार्ड कॉपी रिसीव करने का वो है 20 फरवरी 2021। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सभी आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।